नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 8 दिसंबर 2022 और यहां पे 9 दिसंबर 2022 यानी कि वीकेंड के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप तो डाउनलोड करना नेसेसरी है, वो तो आपको पता ही है। साथ ही मैं बता दूं, मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2022 के लिए, तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं ITC दिसंबर 2022 बैच के लिए, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीकेंड के लिए जो है बैंक निफ्टी। सबसे पहले आज देखिए बैंक निफ्टी ने एक नया हाई ऑल टाइम हाई, इसको कह सकते हैं ATS नया हाई बनाए, ये मुबारक है। सारे लोगों को हाई लगा दिया 640 का, बहुत ही जबरदस्त। और सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है कि जो हाई लगाया 640 का, आप देखेंगे कि क्लोजिंग भी उसी के पास में क्या है 596, यानी राउंड नंबर में पकड़ के चले तो 600, मात्र 40 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि हाई इक्वल टू क्लोज है और इसका फॉर्मूला क्या है, हाई इक्वल टू क्लोज इक्वल टू बुलिश। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कॉशस होना है आपको, थोड़ा कॉशस, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चला गया है और मार्केट ऐसा है कि जैसे सबको अभी क्या है ना, मैं डर रहा हूँ। डर क्यों रहा हूँ, मैं जिस भी स्टॉक्स में देखता हूँ मुझे बाय सिनेरियो नजर आता है। तो जब भी आपको हर स्टॉक में बाय सिनेरियो नजर आने लग जाए, आपको डरना चाहिए, फियर आना चाहिए। जिस समय आपको लगे कि हर स्टॉक में बाय बन रहा है, आपको डरना चाहिए। और जब आपको हर स्टॉक में सेल का पोजीशन लगे कि यहाँ पे सेल बनेगा, हर स्टॉक में सेल का पोजीशन लगे, तब आपको क्या करना चाहिए, ग्रीडी होना चाहिए, लालची होना चाहिए, यानी खुश होना चाहिए कि अब सही टाइम है मार्केट में एंट्री का। और अगर यहाँ पर फियर आ रहा है तो यहाँ पर से एक बार यही कहूँगा कि एग्जिट यानी कि अपने प्रॉफिट को बुक करने का समय आ गया है। क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, नहीं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला नहीं, जिसको शॉर्ट टर्म ले रखा है उसमें आप जरूर प्रॉफिट कर लें, ज़्यादा अच्छा बात रहेगा। तो चलिए, इतना लंबा मैंने भाषण दे दिया, उम्मीद है नहीं सुना होगा आप लोगों ने, फिर भी आगे बढ़ते हैं। और कल बाइंग अगर करना है तो एक बार रिस्क लेना पड़ेगा आज के हाई के ऊपर। कहाँ लेना होगा, आज के हाई के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, 43,640 का इसने हाई मारा है ना, और मैंने आपको कॉल ऑप्शन भी दिया था, सारे टारगेट कॉल ऑप्शन के डन हो गए थे, हुए थे कि नहीं, एंजॉय किया कि नहीं आप लोगों ने। तो आज का जब हाई निकल जाए, आप देखिए ये एरिया, सबसे पहले आप समझिए चार्ट को, यहाँ पर हमारा हाई था, अब यही हमारा सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 43,500 सेलिंग आपको 43,500 के नीचे बनेगा। तो पहले मैं आपको सेल के ही लेवल बताऊंगा कि अगर आपको सेल करना चाहते हैं तो सेल करिए 43,500 के नीचे, इसके नीचे अगर ये गिरे ना तब आप सेल करिए, उसके पहले सेल तेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, हो सकता है तुरंत नया समय लगाए, तो टारगेट बनेगा 43,400 43,300। और यहाँ पर आप जब आएंगे ना तो ये 43,300 का लेवल आप देख रहे हैं, ये एरिया पे इस सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ से देख रहे ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, तो 43,300 तक आराम से आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर से एक बार आके ये बाउंस कर जाएगा 43,300। तो मेरा आप लोगों से यही कहना होगा कि प्रॉफिट बुक कर लें 43,300 पे। इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर गया, 43,300 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया किसी भी कारणवश, तब आप जो है 43,200 से 43,100 तक का लेवल वापस देख सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है और 43,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चलना है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ सेलिंग लेवल, जो आपको इंडेक्स को सेल करना है। अगर बाय करना है तो आज के हाई के ऊपर ही, और दूसरा तो कोई लेवल ही नहीं बच रहा है, तो 43,650 है ये नज़दीकी लेवल, इसके ऊपर बाय नहीं करना है, ठीक है। तब कहाँ बाय करेंगे, 43,675 से 43,700 के ऊपर बाय करिए। मैं आपको यहाँ पे एक अलर्ट दे रहा हूँ,
कि भाई अलर्ट रहिएगा, हो सकता है यहाँ पे आप ट्रैप हो जाए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, तो हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बड़ा वाला प्रॉफिट बुकिंग। इसीलिए आपको कॉशस होके बाय करना है। 43,675 से 700 के ऊपर बाय करिए, टारगेट 43,800, 43,900, और हो सकता है एक बार ये 44,000 के लेवल को क्लेम करे, लेकिन 44,000 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्लेम कर लेगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप कॉल ऑप्शन को बाय करें, कॉल ऑप्शन को कितने स्ट्राइक प्राइस का, 43,700 के। अब मैं यहाँ पर आपको जो चीज बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, 43,700 के कॉल ऑप्शन को, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, कि मैं ऊपर के लेवल पर अब ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसा पागल है कि मार्केट इतना अच्छा ऊपर जा रहा है तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। रीजन क्या है ना कि मार्केट अब थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, खिंचा गया है मार्केट, मार्केट खिंचा गया है ना, और खिंचाने के बाद क्या होता है ना, रबड़ को कितना तानिएगा तो तानने पर टूट जाएगा ना, तो उसी तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, खिंचा गया, वो कहीं ना कहीं आपको एक बार इस तरह से मूवमेंट नीचे आता हुआ मिल सकता है ऊपरी स्तरों से। तो इसका खास ख्याल रखना है आपको दोस्तों, खास ख्याल, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, और कोई बात नहीं। अब मान लेते कि ये गैप अप हो जाए, तो अगर कल भी गैप अप खुलता है, गैप अप और 300 पॉइंट, तो 300 पॉइंट गैप अप खुलेगा तो 600 के आसपास क्लोज कर रहा है, तो 43,900 के आसपास खुलेगा या 44,000 के आसपास में खुलेगा। इस दोनों के बीच में कहीं पे भी गैप अप खुले तो आपको सेल ही मारना है, सेल ऑन राइज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कॉसस, सेल ऑन राइज 43,900 से 44,000 के आसपास में क्या करना है, सेल करके आपको चलना है। नीचे टारगेट क्या बनेगा, 43,800, 43,700, 43,600, और बहुत अच्छा रहा तो 43,500, जो कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करें, 43,900 के अभी पुट ऑप्शन बाय कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, क्लियर। ये गैप अप सिनेरियो में, और गैप डाउन हो जाता है तब हो जाए बहुत बढ़िया, गैप डाउन लेवल में। देखिए गैप डाउन लेवल में दो जगह ऐसा है जहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूँगा बाय करने के लिए। पहला, ये तो या 43,100 पे ओपन हो जाए या ये 43,200 पे ओपन हो जाए, ये दो एरिया जहाँ पे मैं बाय करने के लिए तैयार रहूँगा। अब आप कहेंगे क्या ये 43,300 पर ओपन होगा तो आप बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे भी मैं बाय करूँगा, लेकिन यहाँ पे बाय करने का कंडीशन यही है कि अगर यहाँ पे मैंने बाय किया, अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन में खुला 43,300 पर और बाय कर लिया, बाय करने के बाद ये 43,200 और 100 आ गया, तो यहाँ पे आपको फिर क्वांटिटी एड भी करना पड़ेगा, तभी आप बाय करके चले 43,300, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में आपको ऊपर टारगेट बनेगा 43,400, 43,500 और 43,600, जो कि आज का लगभग लगभग हाई प्राइस है या क्लोजिंग प्राइस है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लें, 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी के सारे लेवल। अब आता हूँ निफ्टी पर, है ना, निफ्टी का क्या सिनेरियो है, तो चलते हैं निफ्टी पे। ये आगे अब देखिए, निफ्टी उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखाया जितना बैंक निफ्टी ने दिखाया ना, ये अभी भी इसी बक्से में, अब मैं इस बक्से को ऐसे खींच दूंगा, अभी भी इसी बक्से में ट्रेड कर रहा है, तो हमें जब भी ट्रेड करना इस बक्से के ऊपर ही ट्रेड करना। आज इस बक्से के ऊपर निकला ही नहीं, मैंने आपको कल बोला भी था कि इस बक्से के ऊपर जाएगा तभी हमारा एक अच्छा बाइंग देखने को मिला, नहीं मिला, गया ऊपर, और सेलिंग हमें इस बक्से के नीचे करना। ये भी आज भी वही कंडीशन है इसका, आज भी सेम कंडीशन है, इसलिए अगर आप कल वाला भी लेवल आज चला देंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, और ये चीज़ें अभी भी हमारे पास वो रेजिस्टेंस है जो कि वैलिड है। तो अगर आपको बाइंग करने का मूड हो तो 18,630 के ऊपर करिए, सिंपल बात है, 18,000 बाय करेंगे 18,630 के ऊपर या 18,650 के ऊपर। तो ऊपर रेजिस्टेंस हमारा 700 वाला है और 750 वाला जो कल वाला लेवल है सेम लेवल वही होगा, तब टारगेट बनेगा 18,700, 18,700, 18,750। बहुत अच्छा कंडीशन रहा तो 18,800, जिसकी संभावना कम है, जिसकी संभावना कम है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 18,800 तक आ सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम है, आ जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए, कितने का स्ट्राइक प्राइस का, 18,650 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 18,800 तक मान लीजिए पहुंच गया, तब आप यहां पर क्या करिएगा ना, कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन बना लीजिए, अगर पहुंच जाता है तो प्रॉफिट बुक करिए बाय साइड का, और यहां पर सेल का पोजीशन शिफ्ट कर दीजिए।
अब आता हूँ सेलिंग में। तो सेलिंग में देखिए 18600 के आसपास में क्लोज है। तो पहला लेवल तो ये ट्रेन लाइन का प्राइस आ रहा है, तो जिसका प्राइस आता है सेलिंग के लिए 18550। 18550 के नीचे अगर निकल जाए तो ज़रूर आप सेल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेल करिए आराम से। और टारगेट नीचे 18500, जो कि बहुत ही अच्छा और तगड़ा सपोर्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा और तगड़ा सपोर्ट है। लेकिन आपको मैं एक बार यही कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट बुक करिए, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ये 15-20 मिनट ट्रेड कर गया तो आप री एंट्री कर लीजिए सेल साइड में वापस से, तब टारगेट 18450 18400 आ सकता है, और ख़राब हुआ तो 18350 तक भी जा सकता है। हालांकि 18350 के नीचे नहीं जाएगा, 350 तक जा सकता है लेकिन उसके नीचे नहीं जाएगा। यहां से फिर आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि सेल का पोजीशन काट के वापस यहां पे बाय साइड में शिफ्ट हो जाएगा जब वो 350 पे आए। फिलहाल अगर आपने 18550 पे सेल किया तो 500, 450, 400 के टारगेट बनेंगे। आप पुट ऑप्शन को बाय करें, 18500 के स्ट्राइक प्राइस का भी कर सकते हैं और 18550 के भी स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी का लेवल है दोस्तों। शाम के 6 बज चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर से अगर ये गैप अप खुलता है, डायरेक्ट गैप अप यहाँ से खुलेगा तो 150 पॉइंट, निफ्टी का यही औकात है 150-200 पॉइंट फिलहाल के लेवल पे। तो 600 पे अगर ओपन होता है तो जाहिर से बात है 18750 18775 इसी के आसपास ओपन होगा। अच्छा रहेगा अगर ये 18800 पर ओपन होता है, कहीं पे ओपन हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं। अगर इस तीनों में से किसी लेवल पर ओपन होता है निफ्टी डायरेक्टली, तो मैंने अभी बोला कि आपको एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करके सेल साइड में शिफ्ट हो जाइए, आप जरूर सेल कर लीजिए यहाँ पर से दोस्तों। सेलिंग का जो लेवल टारगेट बनेगा इस एरिया पे 18700 18650 18600 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस भी है, वहाँ तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन आप 18750 के स्ट्राइक प्राइस का रखेंगे इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये नीचे खुलता है डायरेक्टली, अगर ये गैप डाउन खुल जाए नीचे, तो नीचे में देखिए फिर वही कंडीशन कि ये कहाँ खुलेगा, या तो 18350 पे खुले या ये 18300 पे खुले। ये दो एरिया पे खुलता है गैप डाउन लेवल, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है 18350 से 300। अगर इस दो में से किसी भी एरिया पे खुलेगा तो हम बाय ही करेंगे, 350 पे भी खुलता है तो बाय करेंगे, 400 पे खुलेगा तो नहीं करेंगे, 400 पे थोड़ा वेट करेंगे कि 350 के आसपास आ जाए तो अच्छा रहे। हालांकि 400 पे रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं, अगर ये 18400 पे भी खुलता है तो रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पर आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। 350 से 300 तक बाइंग जोन है, टारगेट जो खुलेगा आपका ऊपर 18450 से लेके 18600 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे यहाँ पर, कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 18400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल आपको मैंने बता दिया। फिर से मैं अपने पीछे शुरुआती बातों को दोहराऊंगा कि चूंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है तो थोड़ा कॉशस होके चले, ठीक है, ये समझना है आपको, और प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा इंटर ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं, इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।